नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम संस्कार जागरूकता अभियान में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के विषय में। कपालभाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो कि हमारे संपूर्ण जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, हमें दीर्घायु प्राप्त करने के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से पहले आपको बताएं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना ना भूलें। उसको क्लिक करने से हमारी जो आने वाले समय की वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो में कहाँ आपको कुछ कमी नज़र आती है, कहाँ आपको कुछ अच्छाई नज़र आती है, या भविष्य के लिए कुछ ऐसे बीमारियाँ जिनके लिए हम आने वाले समय में और वीडियो बना सकें। तो आइए कपालभाति प्राणायाम के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कपालभाति प्राणायाम, हमारे वेदों पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये एक जीवन की संजीवनी के रूप में काम करता है। जीवन की संजीवनी मतलब, संजीवनी समझते हैं, संजीवनी क्या होती है? जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे रामायण में, तो श्री हनुमान जी लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए, लक्ष्मण जी को स्वस्थ करने के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो एक तरह से प्राणदायिनी बूटी होती है संजीवनी, और उसी बूटी के नाम से हमारे वेदों में, हमारे कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये कपालभाति प्राणायाम हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। तो इस कपालभाति प्राणायाम के लिए कुछ बीमारियाँ क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण आरोग्य इसमें है। संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। करना कैसे होता है? हाथों को ज्ञान मुद्रा में करके भी कर सकते हैं आप। ज्ञान मुद्रा मतलब पहला अंगूठा और उंगली, ये दोनों मिले हुए होंगे, हाथ आपके कलाइयों से आपके घुटने पर होंगे, आंखें बंद करेंगे और गहरा लंबा सांस अंदर भरेंगे और टुकड़ों में बाहर निकालेंगे। सांस भरें और शुरू कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम संपूर्ण शरीर के लिए बहुत लाभदायक। जो शरीर का ये हिस्सा है, कहा जाता है कि शरीर में 90% जो बीमारियां हैं वो शरीर के इसी भाग से उत्पन्न होती हैं, और कपालभाति प्राणायाम से इन सभी बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसमें सांस का आवागमन शरीर में बढ़ता है, जिससे शुद्ध वायु अंदर शरीर में प्रवेश करती है, एक औषधीय आयु अंदर शरीर में प्रवेश करती है, तथा सांस जब बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड या शरीर में जो बीमारियां पैदा करने वाले विजातीय तत्व होते हैं उनको बाहर करने वाली जो वायु, उनको जो उत्पन्न करने वाली वायु है वो शरीर से सांस के द्वारा बाहर निकलती है। तो एक बार फिर सांस भरते हुए करें। कपालभाति प्राणायाम हम 100 बार कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं। नए अभ्यासी इसको शुरू में कम करें तथा धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता रहे उसको हम बढ़ा सकते हैं। आधे आधे घंटे तक हम इसको कर सकते हैं। ये कैंसर जैसे रोग के लिए भी बहुत लाभदायक है। कैंसर के बहुत सारे लोग ही, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने कपालभाति से उनका कैंसर जैसी बीमारियों का निवारण किया है, कैंसर जैसी बीमारियों को दूर किया है। जो माताएं बहनें जिनको कहा जाता है कि बहुत दिनों तक बच्चे पैदा नहीं होते और डॉक्टर कह देते हैं कि इनको बच्चे पैदा होंगे ही नहीं, इनकी ट्यूब बंद हो जाती हैं, ऐसा 2-3 उदाहरण मेरे भी नॉलेज में हैं कि कपालभाति प्राणायाम को करने से उनको बच्चे उत्पन्न हुए हैं और उनके घर में भी सुख शांति
आई है। जिन माता बहनों को माहवारी से संबंधित परेशानियाँ रहती हैं वो माहवारी से संबंधित परेशानियाँ उनकी दूर होती हैं, जिन भाइयों को कब्ज रहता है कब्ज की शिकायत दूर होती है, जिन पेशेंट्स को कुछ पेट से संबंधित कुछ मर्ज रहते हैं उनको दूर करने में लाभ मिलता है, सांस का आवागमन हमारा बढ़ता है, स्टेमिना बॉडी का बढ़ता है। इस अभ्यास को हम लगातार अपने जीवन में कर सकते हैं। एक बार फिर से करें, सांस को अंदर बाहर करने की कोशिश करें। तो कपालभाति ऋषियों द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रसाद है जो कि हमें और हमारे देश को स्वस्थ करने का काम करता है। तो आज के इस अंग में इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।